नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। विवेकानंद चौराहे पर हूं आधी रात के वक्त, किराने की दुकान में लाखों की चोरी, 1.5 लाख की नकदी, 3 लाख की सिगरेट और अन्य सामग्री चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर, पुलिस का जल्दी हुआ खुलासा। यातायात थाने के ठीक सामने मौजूद दुकान। विवेकानंद चौराहे पर यातायात थाने के सामने महज 10 कदम की दूरी पर स्थित है किराने की दुकान पर बीती रात 2 बजे के लगभग अज्ञात चोरों ने पीछे से ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। दीपेश जैन की दुकान पर 1.5 लाख नकदी और करीब 3 लाख की सिगरेट सहित अन्य सामग्री चोर चुरा ले गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन्हीं फुटेज और अन्य सूत्रों के आधार पर कोतवाली पुलिस ने चोरों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। खास बात यह है कि घटनास्थल से महज कुछ कदम की दूरी पर ही यातायात थाना मौजूद है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। मेरा नाम दीपेश जैन, मेरी दुकान रात 2 बजे अज्ञात चोर पीछे से टीन से टोल के दुकान के अंदर से मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग में आ रहा है। उनके मुंह बंधे हुए हैं, साथ में मेरी सिगरेट हैं जो मेरा होलसेल का काम रखा रहता है। फिर कम से कम 1.5 लाख रुपये सिगरेट मेरी यहाँ से ले गए और अमूल घी के डब्बे ले गए। सुबह 8 बजे मैंने पुलिस को सूचना दे दी थी, पुलिस मौके पे आई। आसपास थाना है क्या? थाना सामने ही आता है, थाना है। जी, दीपेश जैन की किराने की दुकान विवेकानंद चौराहे पे है, जिसमें कल देर रात्रि पीछे से ताला तोड़कर कुछ सामान और कुछ नकदी ले जाने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं एवं अन्य तंत्र से भी चोरी के संबंध में जानकारी ली जा रही है और जल्दी चोरों का पता लगा लिया जाएगा। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।